पंजाब नेशनल बैंक त्योहारों के सीजन में ग्राहकों की सुविधा के लिए कार लोन और होम लोन में एक खास स्कीम लेकर आया है, जिसमें अब ग्राहकों को ब्याज के अलावा किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। इस स्कीम के तहत ग्राहकों को ना ही लोन की प्रोसेसिंग फीस देनी होगी और ना ही डॉक्यूमेंट्री चार्जेस देने पड़ेंगे। ये स्कीम 31 दिसंबर 2020 तक ही सीमित है। यदि 31 दिसंबर 2020 तक कोई भी ग्राहक कार लोन या फिर होम लोन लेता है तो उसे ब्याज ही देना पड़ेगा। गत 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य पर पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा ग्राम संपर्क योजना को भी शुरू किया गया है, जिसके तहत बैंक 31 दिसंबर 2020 तक ग्रामीण शाखाओं में 2 कैंपों को आयोजित कर लोगों को बैंक की विभिन्न योजनाओं से अवगत करवाएगा, ताकि लोगों को सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न स्कीमों का लाभ मिल सके। पंजाब नेशनल बैंक की शाखा हमीरपुर के मंडल प्रमुख विनीश चावला ने बताया कि बैंक त्योहारों के सीजन में ग्राहकों की सुविधा के लिए कार लोन और होम लोन में एक खास स्कीम लेकर आया है, जिसमें अब ग्राहकों को ब्याज के अलावा किसी प्रकार की कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि ये स्कीम 31 दिसंबर 2020 तक सीमित है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि शहरवासी इस स्कीम का पूरा लाभ उठाएंगे। देखो, पंजाब नेशनल बैंक हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में लीड बैंक है। हमेशा से ही पब्लिक की सुख सुविधाओं के लिए और कुछ अच्छा बेहतर करने के लिए तैयार रहता है। तो इस फेस्टिवल सीजन में जो बैंकों ने देखा है कि लोग कार, घर, एजुकेशन इन चीज़ों पे ज़्यादा खर्च करते हैं, तो बैंक ने फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखते हुए इस फेस्टिवल सीजन के दौरान 31 दिसंबर 2020 तक कार लोन, मकान का लोन लेने पे प्रोसेसिंग फीस और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस पूरी तरह से माफ़ किए गए। यानी कि इस पीरियड में अगर कोई भी ग्राहक पंजाब नेशनल बैंक से मकान या कार का लोन लेता है तो उसको ब्याज के अलावा किसी तरह का और कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। हमारे बैंक का कार लोन भी वन ऑफ द बेस्ट इन इंडस्ट्री है। 7.55% से लेके 7.75% तक लोगों की सिबिल को देखते हुए है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि फेस्टिवल सीजन में पंजाब नेशनल बैंक अपने ग्राहकों का बेहतर ध्यान रखते हुए इस स्कीम को लाया है तथा उम्मीद करता है कि शहर के निवासी इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। विनीश चावला ने बताया कि कोविड की वजह से सरकार द्वारा किसी भी प्रकार के कैंपों को आयोजित करने के लिए मना किया गया था, लेकिन अब सरकार के आदेश मिलने के बाद बैंक द्वारा भविष्य में अचार व चटनी आदि बनाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए उचित प्रसार प्रचार किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। PNBRCT में अभी तक क्योंकि कोविड की वजह से स्टेट गवर्नमेंट ने हमें मना किया हुआ था कि कोई भी कैंप नहीं लगाएं, लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने शुरू कर दिया है। तो अभी हम नियर फ्यूचर में अचार बनाने का और चटनी वगैरह बनाने के लिए कार्यशाला आयोजित करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम उचित प्रचार प्रसार करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें। विनीश चावला ने बताया कि सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं को बैंक द्वारा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य पर पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ग्राम संपर्क योजना को शुरू किया गया है, जिसके तहत बैंक 31 दिसंबर 2020 तक ग्रामीण शाखाओं में 2 कैंपों को आयोजित करेगा और लोगों तक पहुंचकर विभिन्न प्रकार की जानकारियों से अवगत करवाएगा। सरकार की सारी स्कीमों को PNB बढ़ चढ़ के योगदान दे रहा है अपना। अभी हमारा अपन, चाहे वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, चाहे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, चाहे PMEGP है, इसी उपलक्ष्य में बैंक ने अभी ग्राम संपर्क अभियान एक आयोजित किया है 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में। इस स्थिति में बैंक 31 दिसंबर तक हर ग्रामीण शाखा में 2 कैंप ऑर्गेनाइज करेगा, लोगों तक खुद पहुंच के लोगों को विभिन्न प्रकार के लोन की जानकारी देगा तथा सारी सुविधाएं डोर स्टेप उपलब्ध कराएगा।